बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ सईदा और आप देख रहे हैं सईदा इन द किचन यूट्यूब चैनल। आज हम अपने किचन में जो रेसिपी तैयार कर रहे हैं वो है लौकी गोश्त। लौकी गोश्त हम चिकन में बनाएंगे। लौकी गोश्त बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो ये है। एक टमाटर और एक प्याज लेकर उसका पेस्ट बना लें। पैन में आधा कप ऑयल डालें। अब हमने टमाटर और प्याज का जो पेस्ट तैयार किया है वो शामिल कर दें। पानी खुश्क होने तक इसको भून लें। लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करें। एक खाने का चम्मच लहसुन अदरक लिया है और दो खाने के चम्मच मैंने इसमें पानी शामिल किया है। अब मैं अदरक लहसुन डालकर इसको भून रही हूँ ताकि पानी जल्दी खुश्क हो जाए। टू फिफ्टी ग्राम्स हमने लौकी ली है, 250 ग्राम्स हमने चिकन लिया है, हरा धनिया, हरी मिर्चें और एक अदद लेमन। एक टीस्पून साबुत गरम मसाला शामिल करें। आधा टीस्पून हल्दी पाउडर शामिल करें। एक खाने का चम्मच हमने धनिया पाउडर शामिल किया है। आधा टीस्पून नमक शामिल करें और अब मज़ीद भून लें ताकि जल्दी से मसाला गाढ़ा हो जाए। अब चिकन ऐड करें। अब थोड़ा सा इसको और अच्छी तरह भून लें ताकि चिकन सॉफ्ट हो जाए। अब दो अदद हरी मिर्चें काट लें और थोड़ा सा धनिया काटकर शामिल कर लें। मसाले को अच्छी तरह भूनकर लौकी शामिल करें। मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। मेरी वीडियोस को YouTube पर सर्च करके ज़रूर देखा करें ताकि मेरे व्यूज़, सब्सक्राइबर्स और वॉच टाइम में इजाफा हो जाए। मसाला भूनकर एक से डेढ़ गिलास पानी शामिल कर दें और मज़ीद
10 मिनट के लिए पका लें। आपने इस रेसिपी में देखा होगा कि हमने लाल मिर्चें शामिल नहीं की हैं। लौकी गोश्त हम काली मिर्च में बना रहे हैं, पिसी हुई काली मिर्च डालेंगे लास्ट में। शोरबे वाला लौकी गोश्त तैयार है। अब हम इसमें ऐड करेंगे पिसी हुई काली मिर्च एक खाने का चम्मच, और इसे हरी मिर्च और हरा धनिया के साथ गार्निश करेंगे। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। इससे हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोबारा मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।